हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमीन, आप देख रहे हैं टेकी जैमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आया गया, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो हमारा पोको की तरफ से आना देखने को मिल जाता है, पोको X3 प्रो, और जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है। और दूसरी तरफ हमारा रियलमी की तरफ से रियलमी एक्स सीरीज का रियलमी X7। ये बता देंगे दोनों ही स्मार्टफोन बता देंगे अलग अलग कैटेगरी के हैं, लेकिन जो प्राइस सेगमेंट है वो सेम जैसे ही देखने को मिल जाती है। अगर फिलहाल आपको कोई भी स्मार्टफोन अभी परचेस करना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी कर बता जाऊंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो पोको X3 प्रो में देखने को मिल जाती है 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको SD810 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, 20:9 का एक्सपेक्टेशन भी देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। डिजाइन वाइज बता दूंगा जो पोको X3 आपको पिछले साल देखने को मिला था वैसा ही सेम स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डिजाइन के मामले में वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा बहुत आपको जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे रियलमी X7 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ भी आपको पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है। हालांकि कौन सा है वो कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। दोनों डिवाइस साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं डिस्प्ले के मामले में, तो बताएंगे ऑब्वियसली यहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन होने के बावजूद अगर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन पसंद हो तो रियलमी X7 कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, आपको HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी चाहिए, और यहाँ पे आपको IPS पैनल चाहिए अगर पसंद है, तो ये यहाँ पे पोको X3 प्रो कंसीडर कर सकते हो डिस्प्ले के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो बताएंगे यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन बताएंगे बहुत ही तगड़ी वाली परफॉर्मेंस लेके आते हैं, क्योंकि पोको X3 में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 860 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है 2.96 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, इसमें आपको एड्रिनो का 640 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बता दूंगा ये आपको 800 वाला आपको सीरीज का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे हालांकि 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पे 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि जो प्रोसेसर है वो 5G को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी ने पोको X3 प्रो में आपको 5G देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो बता देंगे रियलमी X7 इसमें आपको मीडिया टेक का डायमेंसिटी का 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो भी सेम आपको 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको मालिका G57 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे जो बता देंगे जो पोको X3 प्रो का 860 वाला प्रोसेसर है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू रियलमी X7 का 800U, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ही आर्किटेक्चर है वो दोनों में आपको 7 नैनोमीटर बेस वाला देखने को मिल जाता है, फर्क यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस में आपको क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है जो पोको X3 प्रो में। तो परफॉर्मेंस के मामले ऑब्वियसली पोको X3 प्रो आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, दोनों में आपको सेम जैसे रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, फर्क थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोनों में आपको 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन एक फर्क है पोको X3 प्रो में आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वहीं पे Realme X7 में बता दूंगा यहाँ पे LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ज्यादा अंतर यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्टोरेज के मामले में, जो स्टोरेज वर्जन है उसके मामले में यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पोको X3 प्रो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Realme X7। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, बताऊंगा पोको X3 प्रो में आपको 48MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है सोनी सेंसर के साथ में, F1.79 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2MP का मैक्रो, चौथा आपको 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलिफेंट देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की 13 FPS और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। बाकी कैमरा के फीचर्स आपको सारे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि पोको X3 प्रो में जो पोको X3 था उसमें आपको 64MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, वहीं पे यहाँ पे आपको 48MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा आपको कॉस्ट कटिंग के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है कैमरा के मामले में, लेकिन यहाँ पे रियलमी X7 की बात करो तो इसमें आपको 64MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है जो बताने का सैमसंग के सेंसर है, और यहाँ पे आपको दूसरा 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको 4K 10 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो UIS ऑप्शन के साथ में।
तो कैमरा के मामले में ऑन द पेपर बात करें तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा यहाँ पे Realme X7, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, एज कम्पेयर टू जो पोको X3 प्रो है उसमें आपको सिर्फ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर निर्भर है, कौन सा आपको अच्छा ISP देता है, कौन सा आपको अच्छा आउटपुट देता है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि कौन सा कैमरा अच्छा होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, पोको X3 प्रो में आपको 20 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है F2.4 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी जो सेल्फी कैमरा के जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो Realme X7 है उसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सोनी IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है F2.45 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेल्फी कैमरा के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑन द पेपर बात करें तो पोको X3 प्रो का सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Realme X7। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताने को यहाँ पे पोको X3 प्रो में देखने को मिल जाता है 5116 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, तो बैटरी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे आपको 33 W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 के साथ में पोको लॉन्चर 2.0 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, इस बार थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं शायद, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू MIUI 12। लेकिन यहाँ पे Realme X7 की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 4310 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, तो बैटरी थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू पोको X3 प्रो, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि इन द बॉक्स आपको 65 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, हालांकि इसमें आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, हालांकि इसमें आपको Android 11 देखने को नहीं मिलता, तो सॉफ्टवेयर के मामले थोड़ा सा पीछे हो जाता है हमारे Realme X7। बाकी बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बैटरी बैकअप के मामले में ऑब्वियसली हमें पोको X3 प्रो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, बताने को पोको X3 प्रो में आपको जो नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, साइड माउंट पे फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 GHz जैक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0, ड्यूल बैंड वाईफाई और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें बताना होगा हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो सारे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme X7 में आपको बताने सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी 3.5 GHz जैक देखने को नहीं मिलता, और दूसरा यहाँ पे आपको सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जो फीचर्स है यहाँ पे भी आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाते हैं, तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में ऑब्वियसली पोको X3 प्रो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर रेंज और प्राइस की, बताएंगे यहाँ पे आपको पोको X3 प्रो में आपको 3 अलग अलग कलर रेंज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 19,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 21,999 यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेल में यानी कि फर्स्ट सेल में आप परचेस करते हैं 1,000 का कार्ड आपको ऑफ मिल जाएगा, ICICI बैंक का आपको ऑफर लगाएंगे तो आपको 1,000 ऑफ मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 6 अप्रैल को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन Realme X7 की बात करो तो इसमें आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस शुरुआती है वो 20,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखेगी 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, तो इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे है, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पे Realme X7 थोड़ा सा पुराना हो जाता है। बाकी जो बताने लगे यहाँ पे डिस्प्ले है वो थोड़ी सी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू पोको X3 प्रो, हालांकि यहाँ पे रिफ्रेश रेट नहीं मिलता पोको Realme X7 तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो फीचर्स है वो डिस्प्ले के सारे फीचर्स आपको पोको X3 प्रो में देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर थोड़ा सा तगड़ा वाला देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Realme X7, हालांकि दोनों ही 7 nm बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है यहाँ पे 860 की, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो, और लिक्विड कूलिंग भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा फीचर अच्छा है। बाकी जो स्टोरेज वेरिएंट है वो भी आपको अच्छे खासे 3.1 के साथ में आपको ये स्टोरेज देखने को मिल जाती थी, ये भी थोड़ी सी बेटर है। कैमरा के मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाता है, यहाँ पे कैमरा के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे Realme X7 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे है, तो आप मैं कंसिडर करूंगा कि आप पोको X3 प्रो ले सकते हो बेझिझक,
इसकी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें आपको 5G देखने को नहीं, बाकी जो फीचर्स है वो सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर लेकिन 5G की आपको जरूरत भी नहीं है तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पोको X3 Pro अच्छा लगा या हमारा रियलमी X7, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।